मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम समझेंगे कि अक्टूबर 2023 प्रारंभ होने वाला है और कुछ ही दिनों में अक्टूबर प्रारंभ होगा। अक्टूबर मंथ कहा जाए तो एक प्रकार से कहा जाए तो अश्विन मास कहा जाता है। हिंदी महीने के हिसाब से देखा जाए तो अश्विन मास का शुरुआत होता है और साथ में कार्तिक मास जो है अंत तक आते आते कार्तिक मास भी प्रारंभ हो जाती है। तो पूरा मंथ जो रहेगा उसमें कई ग्रहों का राशि परिवर्तन भी होने वाला है। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे, कोई भी लग्न होगा, चाहे हम मेष लग्न की बात कर रहे हो, चाहे मेष से लेकर मीन, कोई भी लग्न होगा, सभी में राशि परिवर्तन बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पूरे अक्टूबर महीने में पितृपक्ष भी है और साथ में दुर्गा पूजा का भी हम लोग सेलिब्रेशन करेंगे। तो ओवरऑल क्या ट्रांजिशन कहता है और आज के इस वीडियो में हम केवल और केवल बात करेंगे मेष लग्न वाले जातकों के लिए। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि कौन से मेजर ट्रांजिट हो सकते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो 1 अक्टूबर को, यानी जिस दिन पहला दिन होगा, उस दिन बुध का कन्या में राशि परिवर्तन होगा। इसके अगले दिन 2 अक्टूबर को शुक्र जो ग्रह है वो सिंह राशि में चले जाएंगे और उसके अगले दिन यानी 3 अक्टूबर को मंगल तुला राशि में जाएंगे। इसका मतलब लाइन से 1, 2, 3 में राशि परिवर्तन होना है। 18 अक्टूबर को सूर्य भी तुला में रहेंगे, 19 अक्टूबर को बुध भी तुला में आ जाएंगे और लास्ट में सबसे बड़ा परिवर्तन होगा राहु केतु का, क्योंकि ये 1.5 साल तक के लिए राशि परिवर्तन होगा। 30 अक्टूबर को राहु केतु का राशि परिवर्तन होगा। राहु जहां मीन में जाएंगे वहीं केतु कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। ये पूरा एक महीना अश्विन मास का महीना रहने वाला है। 29 अक्टूबर से कहा जाए तो कार्तिक महीना भी प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, अश्विन मास वो महीना होता है जिसमें पितरों की पूजा भी की जाती है। अगर देखा जाए तो कुछ पार्ट अश्विन का और कुछ पार्ट भाद्रपद का, ये दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। 29 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक पितृ पक्ष रहने वाला है। 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक का जो समय रहेगा उसमें दुर्गा पूजा का आयोजन किया जाएगा। तो दुर्गा पूजा का जो सेलिब्रेशन होगा वो 15 अक्टूबर से लेकर 24 अक्टूबर तक रहने वाला है। अब हम आज के वीडियो में समझेंगे कि मेष लग्न वाले जातकों पर उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा, उनका नौकरी व्यवसाय कैसा रहने वाला है और भी बहुत सारी चीजें इस वीडियो में देखने को मिलेगा। सबसे पहले बात करते हैं स्वास्थ्य के लिए। देखिए, अक्टूबर का महीना कहा जाए और मेष लग्न वाले जातकों के लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये महीना बहुत ही अच्छा रहने वाला है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो आप बहुत सारी चीजें आप कर सकते हैं। पहले की अपेक्षा इस महीने जो है मानसिक रूप से कहा जाए तो मजबूती रहेगी। मेंटली जो परेशानी चल रही थी वो परेशानी खत्म होगी और मन में नए नए सकारात्मक विचार भी आते हुए दिखाई देंगे। शारीरिक रूप से कहा जाए तो कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी। शरीर स्वस्थ रहेगा, शारीरिक रूप से कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं होगी। अब छोटी मोटी समस्याएं जो हैं उसको अगर आप हटा दें तो पहले से ज्यादा आप ऊर्जावान अपने आप को महसूस करना प्रारंभ भी कर देंगे। तो छोटी मोटी परेशानी हो सकती है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसी हो जाए कि बहुत बड़ी परेशानी हो, ऐसा इस महीने नहीं रहेगा। इस महीने आप अत्यधिक शक्तिशाली और उत्साह से परिपूर्ण रहेंगे। आपका मन जो रहेगा
मन से भी अच्छा और तन से भी अच्छा, शारीरिक रूप से कहा जाए तो अच्छा है। अब हम बात करते हैं मेष लग्न वाले जातकों का पारिवारिक जीवन कैसा बीतेगा इस महीने। देखिए सबसे पहले आप अपने मन में आई हुई किसी बात को लेकर दुविधा में हो सकते हैं, किसी बात को लेकर दुविधा में रहेंगे, परेशानी में रहेंगे। और अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है तो तुरंत परिवार के सदस्यों से अपनी मन की बातों को साझा आपको करना चाहिए। परिवार का साथ जो है अपनी बात साझा करने से उसका समाधान जरूर मिल जाएगा, 100% इसका समाधान मिलेगा। तो बहुत ज्यादा परेशान होते हैं तो परिवार से मदद जरूर लीजिए। परिवार के सदस्यों के प्रति आप भावुक भी हो सकते हैं, थोड़ा इमोशनल भी हो सकते हैं। और माता पिता का इस महीने कहा जाए पूरा सहयोग मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप उनके लिए कुछ खास करने की योजना भी बना सकते हैं, कुछ सरप्राइज देने की योजना भी आप बना सकते हैं। हालांकि महीने का जो तीसरा सप्ताह रहेगा उसमें बड़े बुजुर्गों का जो स्वास्थ्य रहेगा वो थोड़ा बिगड़ सकता है। और इस महीने घर के बड़े बुजुर्गों का आपको बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यात्रा करने से आपको बचना चाहिए। बड़ों के स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए उन्हें पौष्टिक रूप से आहार ही दें, और उनका हर तरीके से अगर आप ध्यान देते हैं तो आपके लिए भी ये समय अच्छा बीतेगा। अब हम बात करते हैं कि आपके यानी मेष लग्न वाले जातकों के नौकरी या व्यापार की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए नौकरी में कुछ समस्याओं का सामना इस पूरे महीने करना ही पड़ सकता है, और कार्य करने वाले स्थल पर किसी भी सहकर्मी के साथ, जो आपके साथ लोग काम करते हैं, उनके साथ किसी बात को लेकर वाद विवाद की स्थिति बहुत उग्र रूप ले सकती है। वाद विवाद हुआ और राजनीति, इससे आपको इस महीने एकदम दूरी बना लेना चाहिए। किसी प्रकार का टच भी नहीं रहना चाहिए राजनीति और किसी प्रकार के वाद विवाद का, नहीं तो हानि आप ही को मिलेगा। अगर आप भूमि में निवेश करना चाहते हैं तो उसमें आपको लाभ मिलने की संभावना भी मिलेगा। व्यापार के क्षेत्र में आप कुछ नए समझौते भी हो सकते हैं, किसी प्रकार का नया समझौता व्यापारिक हो सकता है। व्यापार के लिए किसी भी निर्णय को लेने से पहले अपने से जो भी आपके बड़े हैं, जो भी बड़े हैं उनका सलाह जरूर ले लीजिएगा, जिससे कि आपको एटलीस्ट नुकसान ना हो। और राजनीति के क्षेत्र में जिनका करियर है उनको इस पूरे महीने कहा जाए तो नए अवसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुझे नया अवसर निश्चित रूप से मिलेगा। अब हम बात करेंगे मेष लग्न वाले जातकों का शिक्षा और करियर कैसा रहेगा। देखिए इस महीने स्कूल में पढ़ रहे विद्यार्थी जातकों का जो मन है शिक्षा में कम लगेगा, खेलकूद में या अलग जो सोशल मीडिया है इन सभी चीजों में आप ज्यादा समय व्यतीत कर पाइएगा। जो उच्च शिक्षा या इंजीनियरिंग या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई प्रोफेशनल कोर्स की तैयारी कर रहे हैं ऐसे छात्र कुछ नया हासिल कर पाएंगे इस पूरे महीने। मन में हालांकि थोड़ी शंका भी रहेगी लेकिन धीरे धीरे क्या होगा आपको अंत में सफलता मिल जाएगी। इस महीने सबसे बेस्ट पॉइंट क्या है मेष लग्न वाले जातकों का, आपका जो मनोबल है, जो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ेगा। और प्रतियोगी परीक्षा की जो तैयारी कर रहे छात्र हैं उनको अन्य क्षेत्र में भी कुछ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे, यानी अपने प्लान बी को भी आगे बढ़ाएंगे, जिससे आपका भविष्य उज्जवल हो सकता है। अपने जीवन में कोई भी निर्णय लेने से पहले, इस चीज को मैं दोबारा बोल रहा हूं, अपने जीवन में कोई भी चीज का निर्णय लेने से पहले हनुमान जी का नाम लेकर उनकी आराधना अवश्य करना चाहिए।
अब हम फाइनेंशियल स्थिति की बात करते हैं, अर्थव्यवस्था कैसा रहे। देखिए आर्थिक दृष्टिकोण से यानी फाइनेंशियली रूप से कहा जाए, ये महीना आपके लिए ओवरऑल ठीक ठाक रहेगा, ओवरऑल अच्छा रहेगा, खराब एटलीस्ट नहीं रहेगा। शेयर सट्टा मार्केट में निवेश कर सकते हैं। आर्थिक रूप से कहा जाए तो इस महीने लाभ तो मिलेगा लेकिन खर्च में भी वृद्धि होगा। एक तो फेस्टिवल रहेगा इसलिए भी खर्च हो सकता है और आपके चार्ट में भी खर्च आ रहा है, तो खर्च को आपको काबू करना पड़ेगा। इस महीने आप पैसा कमाने और पैसा बचाने में हालांकि प्लानिंग के साथ काम करेंगे तो कुछ हद तक आप सक्षम भी हो सकते हैं। फिजूल खर्ची होने की संभावना ज्यादा है इसलिए प्लानिंग आपको पहले से करना चाहिए। यात्रा के दौरान धन हानि होने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। और जो मेष लग्न के जातक हैं, जो खुद अपना व्यवसाय चलाते हैं, ऐसे लोगों को इस महीने सामान्य से अच्छा लाभ जरूर मिलेगा। अपने कॉम्पिटिटर्स को या जो आपके जो प्रतिद्वंदी होते हैं उसको कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। मतलब आप कार्य मतलब व्यवसाय के क्षेत्र में आप अच्छा लाभ कमाएंगे। व्यापार में लाभ प्राप्त करने के लिए आपको कड़ी मेहनत भी करनी पड़ेगी लेकिन जीत आप ही की होगी। अच्छा रिजल्ट व्यवसाय करने वाले मेष लग्न के जातकों के लिए ये आने वाला अक्टूबर महीना लेकर आ रहा है। अब हम बात करेंगे आपका लव रोमांस और वैवाहिक जीवन कैसा बीतने वाला। देखिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के लिए ये महीना सर्वश्रेष्ठ रहने वाला है। ये अक्टूबर महीना और मेष लग्न वाले जातकों के लिए कहा जाए तो ये सर्वश्रेष्ठ महीना रहने वाला है। प्रेमी जातक अपने साथी के साथ कुछ यादगार पल भी व्यतीत करेंगे और सबसे बड़ी चीज है इस माह अपने दिल की बात भी आप कह सकते हैं। लंबे समय से जुड़े हुए जिनका प्रेम प्रसंग लंबे टाइम से चल रहा है उनके लिए प्रेम विवाह की अगर आप योजना बना रहे हैं, ऐसे जो प्रेमी युगल है जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं, तो इसमें आपको इस महीने सफलता भी मिल सकती है। आपको अपने माता पिता से बात करनी चाहिए। और जो ऑलरेडी वैवाहिक हैं, नए विवाहित जोड़े हैं, उनको इस महीने कुछ ना कुछ शुभ समाचार मिलने की संभावना भी मुझे स्पष्ट रूप से दिख रही है, जिससे परिणाम क्या होगा, घर में खुशियों का माहौल रहेगा और आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। परिवार के लोगों का भी जो मन रहेगा वो खुशियों से परिपूर्ण होगा। अपने घर को किसी भी बात को बाहर ले जाए, मतलब घर की बात घर के अंदर रहनी चाहिए, बाहर नहीं जानी चाहिए। सही समय पर अपनी बात किसी अन्य से साझा कीजिए। इस बात को विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा जो लोग मेष लग्न वाले जातक है। अब अक्टूबर का मंथ ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, काफी अच्छा मंथ भी है, पितरों को प्रसन्न करने वाला भी है और दुर्गा पूजा भी है। तो सबसे पहले उपाय जानते हैं। तो मंगलवार के दिन हनुमान जी की आराधना आपको करना चाहिए और राहु और केतु की शांति के लिए घर में यज्ञ करा सकते हैं या हवन करा सकते हैं या शनि का जो बीज मंत्र होता है ओम प्रांग प्रिंग प्रोंग शा शनिश्चराय नमः का 108 बार आपको जाप करना चाहिए। ऐसा करने से ये मंत्र आपका अच्छा बीतेगा। तो ये था पूरा स्पष्ट रूप से मैंने बता दिया है कि जो मेष लग्न वाले जातक हैं उनका ये पूरा लगन फल यानी उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा अक्टूबर 2023। आप अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, मैं कोशिश करूंगा उसका पर्सनली रिप्लाई करूं। और आप कुंडली एक्सपर्ट में लगातार जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, इसका बहुत बहुत धन्यवाद। और ये महीना आपका अच्छा बीते ये भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ। ओम नमः शिवाय।